हेलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड एनेट डेरीवेटिव ऑफ एनी फंक्शन किसी भी फंक्शन का हम एनेट डेरीवेटिव कैसे फाइंड करते हैं तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि वाई इक्वल ई की पावर ए एक्स है इसका एनेट डेरीवेटिव फाइंड करना है तो वाई इक्वल इ की पावर एक्स को जब हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है की पावर ए एक्स इन टू ए सेकेंड टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा e की पावर ax एक्स इंटू ए स्क्वायर थर्ड टाइम जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा e की पावर ax एक्स इंटू ए क्यूब तो हम देख रहे हैं कि जब एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो e की पावर वन है सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करने पर e की पावर टू है थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करने पर ए टू दी पावर थ्री है तो हम सिमेट्री से कह सकते हैं कि जब हम इसे एन टाइम डिफरेंशियट करेंगे तो हमें मिलेगा ए टू दी पावर एन और इसमें हर स्टेप में ई e की पावर एक्स है ना आ, उसमें आ रहा है तो एन टर्म होगा हमारा ई e की पावर एक्स इन टू ए टू दावर एन ए कहलाता है सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन सेकेंड है हमारा वाई इक्वल एक्स टू पावर एन अगर वाई इक्वल एक्स टू पावर एन को डिफरेंशियट करना है तो जब हम एक्स टू पावर एन को वन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा एन एक्स टू पावर एन माइनस वन सेकेंड टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम मतलब एक्स टू पावर एन माइनस टू थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल एन एन माइनस वन पावर आगे एन माइनस टू और एक्स टू दी पावर एन माइनस थ्री तो वन टाइम डिफरेंशिएट करने पर सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करने पर थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करने पर जो आ रहा है उसमें एक सिमेट्री है तो जब हम फंक्शन को एन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें जो मिलेगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू n- टू एन माइनस एन माइनस वन एक्स टू जीरो अभी एक्स टू पावर ज़ीरो कैसे लिखा तो देखिए जब हम एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स तो एक्स टू है एन माइनस वन दो बार डिफरेंशिएट करने पर x टू तो पावर n माइनस टू थर्ड टाइम पर x टू तो पावर n माइनस थ्री तो डेफिनेटली जब n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा x टू तो पावर n माइनस एन और x की पावर n माइनस एन मतलब जीरो और x की पावर जीरो मीन्स वन तो जब एन एट टाइम डिफ्रेंशिएट किया रहा तो हमें मिल रहा है एन एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू वन मतलब वन से लेकर एन तक की टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन और आपने पढ़ा हुआ है एलेवंथ क्लास में कि वन से लेकर एन तक की टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कहलाता है फैक्टोरियल एन तो एक्स की पावर एन का जो एन एथ डेरेवेटिव है वो है फैक्टोरियल एन ओके अब स्टूडेंट्स मान लो एक फंक्शन ना आकर आपके पास दो फंक्शन आ गए तो और उस कंडीशन में आपको लेबनीज उसके पहले आ, आपके लिए दो असाइनमेंट है दो क्वेश्चन हैं एक एस, आ, ये आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर वन है फाइंड द एन डेरिवेटिव ऑफ वाई इक्वल साइन एक्स ओके और दूसरा है कि फाइंड द एन डेरिवेटिव ऑफ वाई इक्वल टू कॉस एक्स तो जो क्वेश्चन नंबर वन है इसमें मैं आपको हिंट देती हूँ कि y इक्वल साइन एक्स को जब आप एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा y इक्वल साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है कॉस एक्स अब जब कॉस एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस साइन एक्स फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स तो इसमें कहीं भी सिमेट्री नहीं मिल रही है तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करो फर्स्ट टाइम जब साइन एक्स का आपको डिफ्रेंशिएशन फाइंड होगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को आप कन्वर्ट करेंगे साइन में तो कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस एक्स साइन 90 प्लस एक्स होता है कॉस एक्स तो इसे हम क्या लिख सकते हैं साइन um, एक्स को जब डिफरेंशिएट करा एक बार तो एक्स तो एक्स को आप लिखिएगा साइन 90 प्लस एक्स उसके बाद डिफ्रेंशिएट करिएगा है ना और फिर अगेन एक्स को आप साइन में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो एक सिमेट्री आपको नजर आएगी उसके बेसिस पर आप उसका एन डेरिवेटिव लिख सकते हैं तो आप दोनों आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई कीजिए नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि लेबनीज़ रूल क्या होता है दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ओके जब अपन मैक्लोरिन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कभी कभी उसमें आपको जनरल टर्म फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो उस कंडीशन में हम वहाँ पर लेबनीज रूल को यूज़ करते हैं तो दिस रूल इज़ यूज तो टू फाइंड एन एट डेरीवेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन अब इसमें टू फंक्शन कोई से भी ऐसे नहीं कि कोई भी आपने दो फंक्शन ले लिए इसमें उन दो फंक्शन में से एक फंक्शन का x की पॉजिटिव पावर में होना ज़रूरी है अभी जो लेबनीज रूल है वो क्या होता है वो देखते हैं अपन यू एन टू वी दो प्रोडक्ट फॉर्म है है ना डी एन ये नोटेशन होता है एन एड टर्म को लिखने का अब यू वी में से एक फंक्शन आपका एक्स की पॉजिटिव पावर है तो हमने सपोज कर लिया वी इज ए एक्स की पॉजिटिव पावर के फॉर्म में है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन सी जीरो डी एन यू डी एन यू का मीनिंग हुआ कि यू को एन बार डिफ्रेंशिएट करना है फिर वी एज इट इज़ प्लस एन सी वन डी एन माइनस वन यू इसका मीनिंग हुआ कि यू को एन माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करना है और डी वी का मीनिंग हुआ वी को एक बार डिफरेंशिएट करना है डी एन माइनस उसके बाद है प्लस एन सी टू डी एन माइनस टू यू मतलब यू को एन माइनस टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे फिर डी इसको वी का मीनिंग हुआ कि वी को दो बार डिफरेंशियट करना है फिर एन सी थ्री है ना डी एन माइनस थ्री यू डी क्यू वी अब जब v को आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे दो बार करोगे तीन बार करोगे चार बार करोगे तो हमने क्या कहा कि v क्या है x की कोई भी पॉजिटिव पावर तो सपोज जैसे v है आपका x टू दी पावर थ्री तो जब आपने x टू दी पावर थ्री को डिफ्रेंशिएट किया तो थ्री आगे आ रहा है एक पावर कम x स्क्वायर फिर जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अब x की पावर वन हो गया एक बार और करेंगे तो कांस्टेंट आ गया और नेक्स्ट टाइम पे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो जीरो हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रोसेस कंप्लीट होगी आपकी जाकर है ना ओके तो इस तरह ये जो हमने आखिरी में प्लस करके लिखा है एनसीएन डी एन माइनस एन यू मतलब एन माइनस एन अब जीरो हो गया मतलब यू एज इट इज रहेगा और वी को एन टाइम डिफ्रेंशिएट तो दिस इज़ द लेबनीज़ रूल जब मैं मैक्लोरिन के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी जब जनरल टर्म फाइंड करने का होगा तो उस कंडीशन में हम लेबनीज रूल को यूज़ करेंगे ओके okay? तो स्टूडेंट अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन मैक्लोरिन पर बेस कुछ और प्रॉब्लम्स को देखेंगे जिसमें हम जनरल टर्म फाइंड करना होगा और जिसमें लेबनीज रूल हम अप्लाई करेंगे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ओके